कोरोना के मामले आसमान छू रहे हैं और ऐसे में बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। शिकायतें भी प्रशासन को मिल रही हैं। ऐसे में प्रशासन भी सजग है। हरियाणा सरकार की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड 19 के इलाज के लिए रेट निर्धारित किए हैं। अगर कोई इसमें ज़्यादा चार्ज करता है तो फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है। कोविड 19 ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। लोग इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल जाते हैं ताकि उनका इलाज बेहतर हो सके, लेकिन जब वो ठीक होकर आते हैं तो काफ़ी बड़ा बिल उनके हाथ में थमा दिया जाता है, जिसकी शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही थी। प्रशासन ने संज्ञान लिया है और इस निर्देश को जारी किया है जो 2020 में हरियाणा सरकार ने जारी किया था। यानी अगर तय रेट से कोई ज़्यादा पैसे प्राइवेट अस्पताल चार्ज करेगा तो फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है। आइए आपको समझाते हैं कि कोविड 19 के मरीज का कोई प्राइवेट अस्पताल कैसे और कितना चार्ज कर सकता है। नॉन NABH हॉस्पिटल जो हैं वो आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ 8,000 रुपये ले सकते हैं। ICU में बिना वेंटिलेटर के 13,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं, तो वहीं ICU में वेंटिलेटर के साथ 15,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। NABH हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ 10,000 रुपये रखा गया है। ICU में बिना वेंटिलेटर के साथ 15,000 रुपये और ICU में वेंटिलेटर के साथ 18,000 रुपये हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मेडिकल की दुकानें हो, इसको अवसर समझती हैं पैसा कमाने का और कालाबाजारी करनी शुरू कर देती हैं या फिर जो रेट होते हैं उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, तो प्रशासन उसमें किस तरीके प्रशासन में देखिए, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा और नहीं तो पब्लिसिटी इसकी और ज़्यादा मैंने बोला है कि और करें कि प्राइवेट में भी जो कोरोना का ट्रीटमेंट के जो पेशेंट्स के रेट्स हैं कि ऑक्सीजन बेड जो है, अगर मान लिया ऑक्सीजन बेड है उसका 11,000 8, 12 और 15 के तीन रेट हैं। 8,000 अगर मान लिया नॉन ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन ICU है तो 15 है और उसमें सारे खर्चे कवर्ड है एक्सेप्ट में भी जो क्रिटिकल मेडिसिन है, और उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि क्रिटिकल मेडिसिन की भी कोई सप्लाई की प्रॉब्लम ना आए। ऑक्सीजन के लिए भी हमने बात करी है कि हमारे यहाँ तो दिल्ली से लोग आके भरवाते हैं, हमारी तो पानीपत रिफाइनरी में ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, तो वो भी हमें प्रायोरिटी पे हरियाणा को ऑक्सीजन भी मिलेगी। दवाइयों की भी प्रबंध जो है ना वो स्टेट की तरफ से भी किया जा रहा है, हमने ये बात करी है। तो इस प्रकार से बड़ा स्पष्ट है कि ओवरचार्जिंग नहीं कर सकते और कोई फ्लीसिंग नहीं हो सकती। इसी तरह से रेमडेसिविर के जो रेट्स फिक्स किए गए हैं, तो हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं, हमारे जो अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, वो भी लगातार इस बात के ऊपर बाकायदा रैंडम चेकिंग के थ्रू ये असेस ये इंश्योर कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि पेशेंट्स अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो हमारे कैप लगाए गए हैं प्राइसेस के, वो किसी भी सूरत में ब्रीच नहीं होंगे और कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं करेगा। तो मेरा नमस्कार साथियों, आप सब लोगों को मालूम है कोरोना के केसेस पिछले कुछ समय में अलार्मिंग रेट पे बढ़े हैं और इस वजह से जो हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं, उन पर प्रेशर आना शुरू हुआ है, बर्डन बढ़ा है। और इस संदर्भ में करनाल जिले में कुछ मामले मेरे सामने आए हैं जिसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट लोगों से चार्ज किए हैं। कई लोगों की इस तरह की शिकायतें हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर डे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेट उनसे चार्ज कर रहे हैं। तो मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने पिछले साल 2020 सितंबर में एक गाइडलाइन जारी की थी और उसमें कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए पर डे रेट रिजर्व किए थे। कोई भी अस्पताल इन रेट से ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता। जो पेशेंट हैं उनकी डाइट वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें सम्मिलित हैं, तो इस प्रकार से कंप्लीट पैकेज है। कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन रेट से ज़्यादा किसी भी कोविड पेशेंट से चार्ज नहीं कर सकता। अगर आपके सामने इस तरह का कोई मामला आता है जिसमें कोई हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन इससे ज़्यादा रेट चार्ज करता है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर 1950 पे अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। इस चार्ज में हॉस्पिटल में मरीज को सब मिलेगा, यानी कि ये फुल पैकेज है, दवाइयों से लेकर लैब टेस्ट, डाइट और भी तमाम चीज़ें जो उस वक्त इलाज में प्रोसेस में लाई जाती हैं। ऐसे में अगर किसी को भी कोई ज़्यादा पैसे चार्ज करने का प्रयास करता है तो जिला हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर सकता है या फिर DC कार्यालय में शिकायत कर सकता है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन का ये एक अच्छा कदम है ताकि कोरोना के वक्त हो रही लूट पर ब्रेक लगाई जा सके और लोग जागरूक हो सके। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।